दोस्तों देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स ने साल 2020 की शुरुआत अपनी दो धमाकेदार गाड़ियों को लॉन्च करके कर दी है। टाटा मोटर्स ने जनवरी में अपनी प्रीमियम हैचबैक कार टाटा अल्ट्रोस को लॉन्च कर दिया और वहीं अपडेटेड हैरियर को भी जनवरी 2020 में टाटा मोटर्स ने लॉन्च कर दिया है। और इस साल दोस्तों टाटा मोटर्स अपनी और भी कई सारी गाड़ियों को मार्केट में उतारने वाली है। लगभग हर सेगमेंट में टाटा मोटर्स अपनी कोई ना कोई नई गाड़ी लॉन्च करने वाली है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट हो, एसयूवी कार सेगमेंट हो, 7-सीटर गाड़ी हो या फिर एक हैचबैक कार या माइक्रो एसयूवी हो। हर सेगमेंट में टाटा मोटर्स अपनी कोई ना कोई नई गाड़ी लॉन्च करने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की इस साल में लॉन्च होने वाली सभी अपकमिंग गाड़ियों के बारे में। तो आई रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली ऑटोमोबाइल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपकी किसी फेवरेट कार का अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में पहली गाड़ी है टाटा मोटर्स की 7-सीटर एसयूवी कार टाटा हेक्सा। टाटा हेक्सा को इसी महीने दिल्ली ऑटो एक्सपो में भी शोकेस कर दिया गया है। टाटा मोटर्स अपनी इस नई हेक्सा सफारी एडिशन को कई सारे अपडेट करके मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इस कार में आपको नया लुक, नया इंटीरियर और नया इंजन मिलने वाला है। बात करें इसके लुक की तो दोस्तों नई टाटा हेक्सा में आपको काफी कुछ नए बॉडी एलिमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि इस कार में अब आपको पहले से बड़ा फ्रंट बम्पर मिलेगा, नई फ्रंट ग्रिल मिलेगी, ब्लैक आउट 17 इंचीज के अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही में इस कार में टाटा हेक्सा की सफारी एडिशन की बेजिंग भी मिलने वाली है। नई बॉडी एलिमेंट और नई डिजाइन एंड लुक के साथ टाटा हेक्सा का लुक काफी कमाल का होने वाला है। वहीं दोस्तों इस कार के डायमेंशंस पुराने ही रहने वाले हैं और इस कार में जो आपको क्रोम एलिमेंट्स मिला करते थे उन्हें ब्लैक आउट एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया जाने वाला है। नए डिजाइन एंड लुक के साथ टाटा हेक्सा का ये नया लुक काफी कमाल का लगने वाला है। वहीं दोस्तों इस कार के इंजन को भी अपग्रेड कर दिया गया है और अब आपको इस कार में BS6 डीजल इंजन मिला करेगा। नई टाटा हेक्सा में आपको 2.2 लीटर का वेरिएक्टर डीजल इंजन मिलने वाला है जो कि BS6 होगा। कार का इंजन 154 पास्कल की पावर और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम होगा। इस कार का इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आपको मार्केट में मिलेगा। और वहीं दोस्तों इस कार के टॉप वेरिएंट्स में आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का भी ऑप्शन मिलने वाला है। अपने पावरफुल इंजन की वजह से दोस्तों टाटा हेक्सा के नए मॉडल ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों के लिए काफी दमदार रहने वाला है। कार के इंटीरियर में भी आपको कई सारे नए अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। नई टाटा हेक्सा में आपको 7-सीट का ऑप्शन मिल जाता है। कार की सीट 3 रो में दी गई है। इस कार के इंटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं। वहीं इस कार का डैशबोर्ड और इंटीरियर लगभग पुरानी हेक्सा के जैसा ही होगा, लेकिन इस कार के इंटीरियर में कई सारे कॉस्मेटिक अपडेट आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस कार में नई मल्टीफंक्शनल पावर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, अपडेटेड टच स्क्रीन देखने को मिलेगी और साथ ही में इंटीरियर में नई कलर स्कीम के साथ नई हेक्सा का इंटीरियर काफी कमाल का लगने वाला है। इंडिया में नई टाटा हेक्सा की शुरुआती शोरूम कीमत करीब 13,70,000 रुपए के आसपास से शुरू हो सकती है और मार्केट में ये कार अप्रैल 2020 तक लॉन्च हो सकती है। तो दोस्तों अगले नंबर पर है टाटा मोटर्स की एक और 7-सीटर एसयूवी कार टाटा ग्रेविटास। टाटा मोटर्स की ग्रेविटास इंडिया में बिल्कुल नई एसयूवी कार रहने वाली है। इस कार को जेनेवा मोटर शो में टाटा H7X कॉन्सेप्ट के नाम से शोकेस किया गया था और वहीं इस कार को दिल्ली ऑटो एक्सपो में ग्रेविटास नाम से शोकेस किया गया और अब आपको ये मार्केट में ग्रेविटास नाम से मिलने वाली है। पिछले कुछ टाइम से दोस्तों इंडिया में 7-सीटर एसयूवी कार्स की डिमांड में भी ग्रोथ देखी गई है। इसी डिमांड को देखते हुए टाटा मोटर्स अपनी ग्रेविटास को लॉन्च करने की तैयारी में है। टाटा ग्रेविटास इंडिया में शानदार डिजाइन एंड लुक के साथ इंटीरियर में भी काफी कमाल की गाड़ी होने वाली है और वहीं इस कार में आपको अच्छा खासा पावरफुल इंजन भी मिल जाएगा। इस कार में आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिला करेगा जो कि 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आने वाला है। इस कार का इंजन 170 पास्कल की पावर जनरेट करेगा और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम होगा। वहीं दोस्तों इस कार का डिजाइन एंड लुक टाटा मोटर्स की प्रीमियम एसयूवी कार टाटा हैरियर से मिलता जुलता ही होगा, लेकिन इस कार के इंटीरियर में आपको 7-सीट का ऑप्शन मिलने वाला है। कार में 3-रो सीटिंग स्पेस दी गई है और अच्छा खासा खुला स्पेस आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा। ये कार 6-सीट के ऑप्शन में भी आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है। कार के इंटीरियर में कई सारे प्रीमियम फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि 8.8 इंच की टच स्क्रीन टर्न सिस्टम, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9 स्पीकर वाला पावरफुल ऑडियो सिस्टम, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे कई सारे प्रीमियम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर आपको नई टाटा ग्रेविटास में मिल जाया करेंगे। इंडिया में लॉन्च होने के बाद टाटा ग्रेविटास महिंद्रा XUV 500 और MG हेक्टर के प्लस वेरिएंट मतलब 7-सीटर वेरिएंट से टक्कर लेगी। बात करें इसकी कीमत और लॉन्च डेट की तो इंडिया में टाटा ग्रेविटास की शुरुआती शोरूम कीमत करीब 15 लाख रुपए के आसपास होने की उम्मीद है और आपको ये गाड़ी मार्केट में अगस्त 10 2020 तक देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी साल टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में भी एंट्री करने वाली है। टाटा मोटर्स इंडिया में अपनी दो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इस साल में लॉन्च करेगी, जो कि टाटा टियागो का इलेक्ट्रिक वेरिएंट टाटा टियागो EV और अल्ट्रोस का इलेक्ट्रिक वेरिएंट टाटा अल्ट्रोस EV होगा। इन दोनों ही गाड़ियों को टाटा मोटर्स अपनी नए जिप्टॉन प्लेटफॉर्म पर बनाएगी, जिसको अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है।
टाटा मोटर्स की ये आने वाली दोनों हैचबैक इलेक्ट्रिक कार काफी कम और अफोर्डेबल कीमत में आपको मिलने वाली है। और वहीं दोस्तों इन गाड़ियों में आपको शानदार डिजाइन एंड लुक के साथ साथ इंटीरियर में भी कई सारे नए फीचर मिलने वाले हैं। टाटा टियागो के इलेक्ट्रिक वेरिएंट की डेमो शुरुआती शुरू कीमत करीब 6 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है और इंडिया में टाटा टियागो का इलेक्ट्रिक वेरिएंट अगस्त 15, 2020 तक लॉन्च हो सकता है। और वहीं अल्टोस की इलेक्ट्रिक वेरिएंट की शुरुआती शुरू कीमत करीब 14 लाख रुपए तक हो सकती है और इंडिया में ये कार 25 सितंबर 2020 तक मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। इन दोनों ही गाड़ियों की स्पेशलिटी ये होगी कि ये अच्छे प्लेटफॉर्म पर बनी होंगी। इन गाड़ियों की ड्राइविंग रेंज काफी अच्छी रहने वाली है और साथ ही में दोस्तों ये दोनों ही इलेक्ट्रिक कार काफी कम कीमत में टाटा मोटर्स मार्केट में उतारेगी। तो दोस्तों अगले नंबर पर है टाटा मोटर्स की एसयूवी कम हैचबैक कार टाटा एचबीएक्स। पिछले ही साल टाटा मोटर्स ने अपनी इस कार को जेनेवा मोटर शो में टाटा एचटूएक्स के नाम से शोकेस किया था और अब टाटा मोटर्स ने अपनी इस कार को टाटा एचबीएक्स के नाम से दिल्ली ऑटो एक्सपो में शोकेस कर दिया है। टाटा एचबीएक्स एक काफी कमाल की माइक्रो एसयूवी कम हैचबैक कार होगी, जैसे कि इंडिया में मारुति सुजुकी एस्प्रेस हो और महिंद्रा केयूवी 100 एनएक्सटी है। टाटा एचबीएक्स इंडिया में काफी कम कीमत में मिलने वाली एक एसयूवी कार के दिखने वाली गाड़ी होगी। इस कार में आपको कई सारे बॉडी एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे जो कि इस कार को एक एसयूवी की तरह लुक देंगे। वहीं दोस्तों इस कार के इंटीरियर में भी आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि इस कार में आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन फ्रंट सिस्टम मिलेगी, मल्टीफंक्शनल पावर स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और साथ ही में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ साथ कई सारे और भी प्रीमियम कम्फर्ट इनकन्वीनियंस के फीचर आपको टाटा एचबीएक्स में मिल जाया करेंगे। वहीं दोस्तों टाटा एचबीएक्स को कंपनी ने अल्फा प्लेटफॉर्म पर बनाया है, इसी प्लेटफॉर्म पर टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोस को भी बनाया है। वहीं दोस्तों इस कार का इंटीरियर इंपैक्ट 2.0 डिजाइन फ्लॉपी के आधार पर बनाया जाएगा, मतलब इस कार का इंटीरियर भी आपको काफी कमाल का देखने को मिलेगा। बात करें इसके इंजन की तो टाटा एचबीएक्स में आपको टाटा टियागो की तरह 1.2 लीटर का BS6 पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। इस कार का इंजन 86 पास्कल की पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम होगा। इस कार में आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाया करेगा। इंडिया में टाटा एचबीएक्स की शुरुआती शुरू कीमत करीब 5 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक जा सकती है और इंडिया में ये कार अक्टूबर 15 2020 तक मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ टाटा मोटर्स इंडिया में अपनी दो और कंसेप्ट मॉडल को आने वाले टाइम में लॉन्च करेगी, जो कि टाटा ई विजन इलेक्ट्रिक और टाटा सियारा है। अभी दोस्तों सियारा और ई विजन की लॉन्च के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों ये थी वो टाटा मोटर्स की मार्केट में आने वाली गाड़ियां। आपको कौन सी गाड़ी का इंतजार रहेगा कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।